चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आज थर्ड सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या गया है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच कलर्ड। आपको पता करना है कि कितना हिस्सा जो इसमें फिगर दिया उसका कलर्ड है, और फिर अगर आपको पता चल जाए कितना पार्ट कलर्ड है तो उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये पूरा पूरा सर्कल था, और सर्कल में से देखिए सिर्फ एक पार्ट काउंट करना है, कितना है, वन पार्ट, वन कलर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए पूरे यहाँ जितना पार्ट ये है उतने अगर शेप बना दिए जाएँ पूरे इसमें डायग्राम में, तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ सीधी कलर और इसका कर दो, ठीक है, इतने हो गए। मतलब टोटल पार्ट कितने थे डायग्राम में, टोटल पार्ट की काउंटिंग अगर करें तो 1 2 3 4 4 सॉरी फोर पार्ट, यानी फोर इक्वल पार्ट थे जिसमें से कलर्ड कितना है, वन पार्ट कलर्ड है। ठीक ना, सिर्फ ओनली वन पार्ट कलर्ड है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 1/4। और परसेंटेज करना है तो परसेंटेज के लिए 100% का इंटू कर देना है। ठीक है, ऐसे अगर डिवाइड हो जाए वैल्यू तो क्रॉस भी कर देना, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 25% आ जाएगा। तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/4 कलर्ड पार्ट लिखना, 1/4। क्यों 1/4 हुआ समझ में आ गया, क्योंकि हम फोर इक्वल पार्ट में इसको हम पहले क्लियर करेंगे, काउंट कर लेंगे कितना कलर्ड है, वन पार्ट कलर्ड है, तो 1/4, और उसके बाद 100 का इंटू करना है, और डिवाइड होने पे क्रॉस कर देना है, तो वैल्यू कितना है, 25%। अगर आपसे डिवाइड नहीं करते बनता, तब की कंडीशन में आपको क्या करना है, तो देखिए तब की कंडीशन में क्या करना है, 100 का इंटू 1 में करेंगे तो आएगा 100 अपॉन लिखेंगे 4, इसके बाद 100 लिख करके ऐसे 100 लिखना है, और फिर 4 का डिवाइड करना है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद वैल्यू आई 2, देन यहाँ पे 0 आ गया, 4 5 जा 20, और ये डिवाइड हो जाएगा, तो 25% आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपने परसेंटेज अप्लाई किया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेम सभी क्वेश्चनों को करना है, तो इसमें देख लेना है कितने पार्ट है, पहले 1 2 3 4 5, तो 5 टोटल हुआ, 5 में से कलर कितना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कलर की बात करें तो 1 2 3 3 कलर हैं, तो 3/5 हुआ, इंटू क्या करेंगे, 100%। ठीक है, इसमें 5 से देखेंगे आप, इसमें देखिए 5 से, तो 5 से 100 डिवाइड होगा, तो 5 2 जा 20 आया, और 20 का जब आप 3 से इंटू करेंगे तो 20 3 जा 60% आएगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 60%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम आपको थर्ड क्वेश्चन इसी का कर लेना है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले काउंट कर लेना है कितने पार्ट हैं इसमें कलर्ड, पहले टोटल पता करना है कितने हैं, तो टोटल की अगर हम बात करें चेक कर लेते हैं कितने हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 हैं, वैल्यू रखेंगे आप 8। ठीक है, इसमें से कलर्ड देखते हैं, तो कलर्ड की अगर हम बात करें कितने हैं, तो कलर्ड देखें 1 2 3 3 कलर हैं, तो यह लिखे 3/8 हुआ, इंटू करेंगे, इंटू में आपको क्या अप्लाई करना, 100% करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 100%। ठीक है, 100% करने के बाद अब आपको अगर डिवाइड हो तो डिवाइड करिए, नहीं तो ना करिए। तो देखिए 4 से मैं इसको डिवाइड, 4 2 जा 8, अब 4 से इसको काट दिया तो 5% इतना है, 25। अभी नहीं कट रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ अगले स्टेप पे आपको क्या करना है, 3 का 25 से इंटू, तो कितना हो जाएगा, 3 का जब 25 से आप इंटू करेंगे तो 75 आ गया परसेंट, और डिवाइड पे आप 2 कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद डिवाइड करके आप टेबल पढ़ लीजिए। ठीक है, तो डिवाइड में जब आप टेबल पढ़ोगे, टेबल जब पढ़ोगे तो 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, अब 1 तो 2 7 जा 15 हुआ 2 7 जा 14 1/2%। ठीक है, क्योंकि 1 कैरी बचेगी और 2, तो ये परसेंट आपका 37 राइट 1/2 आएगा। अदरवाइज आप क्या करिए, अगर ऐसा भी नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, 75 में डिवाइड करना है 2 का, ऐसे लिख करके आप डिवाइड करिए, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 6, 1 कैरी, 1 आ गया रिमाइंडर में, फिर 2 का टेबल, 2 7 जा 14, फिर 1 आ गया, अब पॉइंट लगा गए, 2 5 जा 10, ऐसे भी कर सकते हैं, 37.5 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार सभी क्वेश्चन हो गए सॉल्व। तो देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख भी सकते हो, ऐसे करके मैंने यहाँ पे कर भी दिया है, जो बताया वही। यहाँ पहले क्वेश्चन पे आप फोकस कर लीजिए, 1/4 पार्ट था, 100 का इंटू करके 25%,
दूसरे थ्री बाई फाइव पार्ट था, हंड्रेड के इंटू करके डिवाइड कर दिया 60%। थर्ड क्वेश्चन थ्री बाई एट था, थ्री बाई एट में हंड्रेड के इंटू किए, इसके बाद जो भी वैल्यू कट रही थी काट दिए और आया कितना 37.5%। और इस प्रकार सभी क्वेश्चन हो गए सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो टिल वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो, टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।